नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी का बर्थडे है। गिफ्ट के रूप में 8 चीता देश में लाए गए हैं। इनको लाया गया है नामीबिया से एक समझौते के द्वारा। 70 साल बाद देश में चीता की एंट्री हुई है। इनको लाया गया है नामीबिया से। नामीबिया एक अफ्रीका के दक्षिण में स्थित देश है, जहाँ से 16 घंटे की यात्रा के दौरान बोइंग 747 एरोप्लेन के द्वारा इन्हें इंडिया लाया गया है। इंडिया में इन्हें कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, में रखा गया है। इनको लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के तहत बोइंग 747 एक स्पेशल विमान के तहत इनको लाया गया है, जिनकी आकृति आप देख सकते हैं चीता जैसी बनाई गई है। इनको इस लॉन्ग रेंज कैपेबल जेट से इसलिए लाया गया है ताकि ये बिना रुके कंटिन्यूस एक ही बार में इंडिया पहुंच सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको रिलीज कर दिया है कूनो नेशनल पार्क में कुछ इस प्रकार से, जो कि आप देख सकते हैं। इन चीतों में 4 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। इन चीतों के 5 साल के रखरखाव के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कूनो नेशनल पार्क के सभी कुत्तों को वैक्सीनेटेड कर दिया गया है, क्योंकि यदि कुत्तों और चीतों का आमना सामना हो और यदि कुत्ते चीतों को काट भी लें तो उनको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का खतरा ना हो। चीतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। चीते दहाड़ते नहीं हैं, ये बिल्लियों की तरह सिर्फ गुर्राते हैं। इनको बड़ी बिल्ली भी कहा जाता है। 2 किलोमीटर दूर की आवाज़ को सुनने में ये सक्षम हैं और ये दिन में ही शिकार कर सकते हैं, क्योंकि इनका नाइट विजन कमज़ोर होता है, कम देखते हैं ये। एक चीते का वजन लगभग 36 से 65 किलोग्राम तक होता है। एक चीते की औसत आयु 10 से 12 वर्ष की लगभग होती है। अगर हम बात करें शिकार की, तो चीता एक शिकार करने में महज 20 सेकंड का समय लेता है। स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि यदि ये 30 सेकंड दौड़ता है तो उसकी 15 सेकंड हवा में ही रहता है। अगर चीता की स्पीड के बारे में बात करें तो ये महज 3 सेकंड में 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।